हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम देख रहे हैं रोहित शर्मा इंटरव्यू ऑन 2023 वर्ल्ड कप। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोज के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर, शुरू करते हैं। और दूसरे दो चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे भी आपके रिक्वेस्टेड वीडियोस आ रहे हैं। वर्ल्ड कप की बात आती है तो पहले आपके रोहित शर्मा के जहन में क्या है वर्ल्ड कप की, में जब आपने पहली बार वर्ल्ड कप की बात होता है जब आप ग्रोइंग अप ईयर्स में थे? नहीं देखिए, एकदम सबसे अहम ट्रॉफी है वर्ल्ड कप। नहीं, आपकी यादें मैं बोल रहा हूँ, जब आपने वर्ल्ड कप के बारे में सुना जब बचपन, किसका चेहरा क्या, वो मैं जानना चाह रहा था। मुझे वर्ल्ड कप दिखता है भाई, मुझे तो कपिल देव याद आता है। वर्ल्ड कप दिखता है वो जो तीन जो छोटे छोटे पिलर बने हैं उसके ऊपर वर्ल्ड का वो बना हुआ है, तो वो दिखता है मुझे। क्योंकि मैंने तो कभी वर्ल्ड कप नहीं जीता है, T20 वर्ल्ड कप जीता है, बट 50 ओवर वर्ल्ड कप इट्स द मोस्ट चैलेंजिंग वन, और उसका कुछ खास ही चार्म है। क्योंकि जो फर्स्ट वर्ल्ड कप कभी एवर एनी वर्ल्ड कप वाज प्लेड वाज 50 ओवर वर्ल्ड कप, सो इसका जो जो चार्म है वो अलग है। तो आई थिंक मेरे लिए बस जब भी वर्ल्ड कप की बात होती है तो मैं बिल्कुल, देखिए अभी हमारी हिस्ट्री है, हमने 83 में फर्स्ट जीता था, फिर 2011 में जीता है, तो हमने जीता हुआ है वर्ल्ड कप। और ये उन दोनों टूर्नामेंट्स में क्या क्या हुए थे, क्या क्या अच्छे चीज़ हुए थे, वो सब चीज़ आपके जहन में रहती है। 83 में क्या हुआ था, ऑल्दो आई वॉज नॉट बॉर्न, बट हम फुटेज देखते हैं, वीडियो उसका अभी भी दिखाया जाता है। I was तो born. और 2011 में जो हम जीते, यू नो, जो जो अच्छी अच्छी चीज़ें, जो जो अन मतलब बोलते हैं ना कि एकदम डिफिकल्ट सिचुएशन से मैच जीतना, वो हुआ है, तो वो सब चीज़ें यू नो ध्यान में आता है। 2011 के वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा क्लोज आए थे, चूके थे, आप नहीं थे उस वक्त। किसी ने आपको अगर ये कहा होता कि चलो कोई बात नहीं, 2011 में 2023 में जब अगली बार इंडिया में वर्ल्ड कप होगा आप लीड करोगे, यकीन होता? इतना आगे का मैं नहीं सोचता कभी कि, but then how you look at that कि भाई you, मतलब it's also motivation for a lot of youngsters who might miss out this World Cup, में world is not ending. Yeah, I mean see, look in sport generally, good thing about this sport is कि आप हमेशा comeback कर सकते हो, चाहे कोई भी situation में हो, कोई भी अपने career में हो, phase में हो, कोई भी age हो, आप हमेशा यू कैन ऑलवेज मेक अ कम बैक एंड यू कैन यू नो नॉट प्रूव एनीवन एल्स बट प्रूव योरसेल्फ कि भाई मैंने 2011 में जब मैं ड्रॉप हुआ मुझे नहीं पता था कि मैं इसके आगे वर्ल्ड कप खेल पाऊंगा या नहीं, बट अब ये मेरा तीसरा वर्ल्ड कप है। तो मतलब बहुत सी चीज़ें ऐसी है दुनिया में जो लगता है कि नामुमकिन है, बट उसको मुमकिन करने के लिए आप के ऊपर ही आपका भरोसा होना चाहिए, आपके ऊपर, आपकी एबिलिटी पर, कि मैं चाहे कोई भी चीज़ हो, कैसा भी सिचुएशन हो, कितनी भी डिफ़िकल्टीज हो, मैं उस चीज़ को कैसे भी करके पार करूँगा और ओवरकम करूँगा। ऐसा एटीट्यूड रहना बहुत ज़रूरी है। तो मैं भी यही समझता हूँ कि जब 2011 में मैं नहीं सिलेक्ट हुआ था तो मैं डिसअपॉइंटेड था, मुझे नहीं पता था कि सिलेक्ट, मुझे नहीं पता चल रहा था कि क्या करना चाहिए मुझे अभी, ये वो। तो आई एम श्योर यार, लोगों लड़कों को ऐसा फील होता है जब दे व्हेन दे आर नॉट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कप, बट बहुत एग्जांपल्स हैं ऐसे जो जिन्होंने वर्ल्ड कप में, जो वर्ल्ड कप में सिलेक्ट नहीं हुए, फिर उसके बाद जाके उन्होंने अपना करियर एकदम सुपर बनाया। आपने कहा कि इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, इम्पॉसिबल है एक वर्ल्ड कप में 500 करना, लास्ट टाइम आपने किया था। लोग तो कहेंगे इंडिया में वर्ल्ड कप पिछली बार 5 हुआ तो 5 नहीं तो 4 हो। देखिए मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं अच्छा करूँ, अच्छे फ्रेम में रहूँ, अच्छे स्पेस में रहूँ, क्योंकि वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले की इंटरव्यू है क्या? याद है मैं अच्छे फ्रेम में था, प्रैक्टिस अच्छे तरीके से कर रहा था, अपने आप को अच्छा प्रिपेयर किया था, तो ये सब चीज़ मैं जो कंट्रोल में है मेरे में वो कर सकता हूँ। और अभी भी कोशिश मैं वही कर रहा हूँ कि अच्छे फ्रेम में रहूँ और अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करूँ, और फिर अपने आप को मैं मौका दे सकता हूँ कि अच्छा परफॉर्म करने का, अगर मैंने अच्छे तरीके से अपने आप को प्रिपेयर किया है तो। तो अभी भी मैं वही करने की कोशिश करूँगा क्योंकि मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि मैं अच्छे तरीके से प्रिपेयर करूँ और यू नो
अभी देखिए वो 2019 था, अभी हम 23 में हैं. हमें थोड़ी सी आदत है कि जो पिछली बारी हुआ है इस बार भी वही होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए. पिछली बार मैंने 5 सेंचुरी की है बट हम सेमीफाइनल में हार गए, तो हम नहीं चाहते कि वो करेक्ट exactly. तो सब कुछ 2019 ईयर के जैसा नहीं होना चाहिए. भले मेरे 100 लगे या 2 लगे या लगे ही नहीं, लेकिन वर्ल्ड कप जीतना है हमें, ये मेन गोल है. गुड. तो ये मेरा 100 हो या exactly. इसका हो या उसका, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. बट अगर आप ट्रॉफी नहीं जीत पाओगे तो फिर वो डिसअपॉइंटमेंट, कोई कोई वो सब की सब चीजें यूजलेस हो जाएंगे. अपना ध्यान तो ट्रॉफी है, पूरी जान उस चीज के लिए लगानी चाहिए. प्रॉब्ली जो टीम अभी तक आपको जो मिली है उस लिहाज से आप कह सकते हैं पॉसिबली जितने दिन से आप कप्तानी करें बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन, मतलब जहां पर बैटिंग ऑप्शन, बॉलिंग ऑप्शन, ऑलराउंडर सारी चीजें, यू हैप्पी विद दैट? कैसा? हाँ बिल्कुल. देखिए अभी हमने पिछले कई सालों में ये एक चीज़ हमने नोटिस की है कि हमको जो डेप्थ क्रिएट करना है बैटिंग में या बॉलिंग में, चाहे जो भी हो, हमको वो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारी टीम वर्ल्ड में काफ़ी डेप्थ लेके आती है और काफ़ी डेप्थ से खेलती है. तो आई थिंक हमारे लिए भी वो चीज़ काफ़ी ज़रूरी है. तो उस रोल में जो भी प्लेयर्स फिट होते हैं, वो रोल जो जो कर सकते हैं, उनको हम कोशिश करते हैं कि उनको मौका दिया जाए, उनको टीम के साथ रखा जाए, ताकि हमें ऑप्शन मिले हर तरीके का कॉम्बिनेशन खिलाने का. और रिसेंटली भी हमने देखा है कि हम वो बैटिंग डेप्थ अगर नहीं होता है तो हम मैचेस भी हारे हैं. तो आई थिंक हमको ये चीज़ आगे चलते हुए हमें ये चीज़ हमेशा से ध्यान में रखना होगा कि वो डेप्थ जो है वो कैसे हम बरकरार रखें और उसको मेंटेन कैसे किया जाए. क्योंकि जो मैंने जैसे बताया कि जो प्लेयर वो रोल कर सकते हैं उन प्लेयरों को आइडेंटिफाई कर मतलब बहुत ध्यान से सिलेक्शन दी है बेस्ट प्लेइंग 11. क्योंकि कंडीशंस भी अलग अलग होंगे, कहाँ पे थोड़े से स्पिनर फ्रेंडली होगा, यहाँ पे स्लो होगा, टर्न हो रहा होगा, तो यू नीड स्पिनर्स हु कैन बैट एंड बोल. समटाइम्स थोड़े सीमर्स को हेल्प होंगे तो यू नीड सीमर हु कैन बैट एंड बोल. तो इसीलिए आपने देखा शार्दुल और अक्षर दोनों हमारे टीम में है, ताकि वो दोनों रोल अगर कहीं पे भी मौका मिले अक्षर या शार्दुल को खिलाने का, तो हम उस पोजीशन में होने चाहिए कि हम उन दोनों को मैचेस खिला सके. चलिए रोहित, आपने बहुत टाइम दिया, चलते चलते आखिरी सवाल, मतलब इंडिया में बस चलते चलते आखिरी, हमारे दोस्त परेशान भी हो रहे हैं. वर्ल्ड कप की बात हो रही है, किसी तरह का प्रेशर या वही रोहित शर्मा हमें दिखेंगे जो बिंदास? हमें पता है प्रेशर है, सब कुछ है, तो उसके बारे में सोच के बात करके क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है. तो हम लोग यार अच्छी चीज़ ये है कि टीम में लड़के जो जितने भी है हमारे, सब ने इंडिया के लिए खेला हुआ है, तो उनको ऑलरेडी यहाँ इंडिया का फील आ चुका है कि यहाँ पे खेलना कितना वो होता है, प्राइसलेस होता है, प्रेशर कितना होता है. तो एक हिसाब से और एक अब नहीं चाहिए प्रेशर, सब ये कह रहे प्रेशर के बिना खेलना. 50 ओवर वर्ल्ड कप बहुत लोग पहली बार खेलने वाले, बट कुछ लोगों ने T20 वर्ल्ड कप खेला है, तो ऐसा नहीं है कि एकदम सा ये हो जाएगा. बट हम उस चीज़ के बारे में बात ही नहीं करेंगे, हम सिर्फ कैसे खेलना है, क्या करना है, डिफरेंट ऑपोजिशन खेलेंगे एवरी गेम, तो उनके बारे में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे. यार लाइफ में आगे बढ़ना है बस. बहुत बहुत शुक्रिया रोहित, वर्ल्ड कप के समय इतने व्यस्त शेड्यूल में आपने इतना वक्त दिया, और आपके साथ साथ BCCI का भी शुक्रिया जिन्होंने इजाज़त दी, क्योंकि आपका शेड्यूल इतना टाइट था. भैया वही है ना प्रेशर, उन्हें पता है कि वो, उनका कहने का मतलब था कि इंडिया में खेलना जहाँ पे सारी मतलब पब्लिक पूरी उस टाइप से होती है और इंडिया को जीतना, मतलब उन सबका ऑब्वियसली इंडिया में सभी कहेंगे भाई इंडिया जीतना चाहिए, वर्ल्ड कप हो ही रहा है ना यार, तो प्रेशर तो ज़्यादा होता है. बाहर कहीं हो तो अभी थोड़ा कम होगा, पर इंडिया में जब हो रहा है तो सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है. तो वो कह रहे हो पता ही है, हमको पता ही है, अब इनको थोड़ा और पता चलेगा कि मोदी जी भी आ रहे हैं. अब एग्जैक्टली पता नहीं है टाइमिंग क्या था इस इंटरव्यू का. वर्ल्ड कप के टाइम शुरू हो चुका था कि वर्ल्ड कप के शुरू होने से थोड़ा सा पहले, एक दिन पुराना है कि अभी हो रहा है कि पहले का था. बट रोहित शर्मा इज लुकिंग लिटिल बिट टायर्ड.
हो सकता है गेम खेल के आए हो या काफी बिजनेस, और उन्होंने बोला भी था बीसीसीआई ने परमिशन दिए थे वर्ल्ड कप के टाइम में फॉर थोड़े से टाइम के लिए, और हमारे जो सामने लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं कि थोड़ा ज्यादा लंबा हो गया, तो हो सकता है ये उस टाइम में हो रहे हैं, मतलब 10-10 मिनट दे रहे हैं खाली इंटरव्यू के लिए, हो सकता है एवरीबॉडी इज रियली टायर्ड एट दिस टाइम, और उनको ये होगा कि मैच होगा जो होगा हम बेस्ट खेलेंगे, और लोग जो है बहुत कुछ सोचते हैं, बट उनका फोकस था कल की या जो भी गेम दिख रहा है उसके ऊपर। हाँ दिख रहा है कि सब फोकस, मतलब रोहित की बात सही था, फोकस इस कि हमने गेम जीतनी, हमने वर्ल्ड कप जीतना है, और कौन कौन 100 बनाता है, कौन सेंचुरी बताता है उसका नहीं है, मेन फोकस यही है कि हमने वर्ल्ड कप जीतना है, उसके लिए रन हमेरा ना बने किसी और का बन जाए 100 चलता है, वो हम कोई परवाह नहीं, वो मुझे बहुत अच्छा लगा और ये ही होना चाहिए। और उनको ये भी पता है, जैसे मैं पहले बोलती थी ना जब ये लोग IPL खेलते रहते थे, मैं कहती थी फोकस ऑन वर्ल्ड कप करो यार जो मेन है, तो उनको पता है, उन्होंने कहा कि वर्ल्ड कप ये ही मेन है, यही मेन है। ये नहीं कहा था कि सभी लोग नए हैं, कुछ लोग पहले भी खेल चुके हैं वर्ल्ड कप्स में T20 के ही, तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही पहली बार प्रेशर आने वाला है, सम पीपल ऑलरेडी हैव फेस्ड प्रेशर, और अब तो भैया उनका सब सब सबको आता है क्योंकि आखिरी गेम है, तो सबने खेल लिया, अब तो नया भी कुछ नहीं है। तो भैया आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।